नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नसरुल्लागंज नगर परिषद में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम एवं रंगोली कार्यक्रम रखा गया, जिसमें उपस्थित अधिकारी अपर कलेक्टर अर्पित गुप्ता, डिप्टी कलेक्टर मदन सिंह रघुवंशी, तहसीलदार सौरभ शर्मा, नायब तहसीलदार संदीप गौर और नगर पंचायत कर्मचारी और अधिक लोग मौजूद रहे। नसरुल्लागंज से न्यूज 69 के लिए अनीस खान की रिपोर्ट। सभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत गतिविधियों में मतदाता जागरूकता अभियान आयोजित किया जा रहा है, जिसमें नगर परिषद और संयुक्त प्रशासन के द्वारा आज यहाँ नगर परिषद कार्यालय में एक रंगोली डाली गई है, जिसमें मेरा वोट मेरा अधिकार के माध्यम से मतदाता जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है। और इसके साथ ही अभी शाम होते ही इसमें दीपों का प्रज्वलन किया जाएगा और दीपों की श्रृंखला के माध्यम से सभी लोगों को ये संदेश दिया जाएगा कि इस लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपने देश के लिए अपना योगदान अवश्य रूप से करें। 18 वर्ष से जितने अधिक वाले जितने भी लोग हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि आगे आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। धन्यवाद। लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत आज नगर पालिका बहरुदा में स्वीप प्लान के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम दीप प्रज्वलन कर अधिक से अधिक मतदान करने के लिए लोगों से आह्वान कर रहे हैं। नगर के सभी गणमान्य लोग, सभी ऑफिस के अधिकारी कर्मचारी आज यहाँ उपस्थित हैं और सिविक गतिविधि के लिए जो है हम आज दीप प्रज्वलन कर रहे हैं और एक नारा लिख रहे हैं कि लोकसभा निर्वाचन 2024 में अधिक से अधिक मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपना योगदान दें। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।